ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने एक बड़ा घोटाला पकड़ा है। राशन वितरण में किए जा रहे घोटाले को इन्होंने निर्धन्य वाला घोटाला नाम भी दिया है। दरअसल जरूरतमंद लोगों को शासन द्वारा 10 किलो आटे के पैकेट वितरण में घोटाला यह सामने आया है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कई राशन की दुकानों से आटे के पैकेटों का वितरण किया जा रहा था। विधायक पाठक को फोन पर शिकायत मिली कि 10 किलो के आटे के पैकेट में 2 से 3 किलो और किसी में 4 किलो तक आटा कम निकल रहा है। इस पर विधायक मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर जब 10 किलो का पैकेट खुलवाया तो 2 से 4 किलो तक आटा कम निकला। दोपहर में विधायक पाठक दौलतगंज स्थित निम्बालकर का बाड़ा स्थित राशन की दुकान पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही लोगों ने शिकायत की कि जो आटे का पैकेट यहां से मिल रहा है इसमें आटा कम निकल रहा है। इस पर विधायक ने मौके से ही जिलाधीश ग्वालियर को फोन कर इस बात की जानकारी दी कि जो पैकेट बांटे जा रहे हैं उसमें राशन कम निकल रहा है। विधायक पाठक ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम भी पत्र लिखकर इस मामले में शिकायत की है, जिसके बाद अब इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कितना आटा निकला इसके अंदर? इसमें 8 किलो। 8 किलो आपने तोला था ये आटा? ये कब दी, कब आई थी आप लेने के लिए? सुबह आए थे 8 बजे लेने के लिए। 8 किलो आटा निकला है आपका, तो आप जी वापस करने शिकायत करने आई हैं? शिकायत करने आए ना। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या? सब्जीपाल। कितना आटा निकला इसके अंदर? 10 किलो। 8 किलो आटा, 2 किलो कम निकला है। अभी आप ये आटा सुबह लेके गई थी यहाँ से, आपने उसको तोला था? अच्छा अच्छा। करते जो सावली जी बताया है लगभग ऐसे करते देखे जा रहे हैं जिसमें 2.5 से 3 किलो खाद्यान्न कम है। बड़ी लापरवाही है, ऐसे संकट में देश संकट से जूझ रहा, गरीबों के साथ अन्याय। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में कभी व्यापम घोटाले के नाम पर, कभी ई टेंडरिंग घोटाले के नाम पर, कभी किसी घोटाले के नाम पर हमेशा आम जनता को ठगा गया है। इस संकट के दौर में भी जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, एक एक गरीब के परिवार में चूल्हा जलने में, एक वक्त की रोटी खाने में तकलीफ है, उस समय भी मैं भी जो सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में आज मेरी विधानसभा में जो राशन बांटा जा रहा है, इसमें 10 किलो का पैकेट है, किसी के अंदर 6 किलो है, किसी के अंदर 7 किलो है, किसी के अंदर 8 किलो है। प्रशासन की और लोगों की इस प्रकार की लालच की भावना देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि गरीब की आह ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटा दी है। इस मौके पर तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक एक गरीब आदमी पूरा लॉकडाउन का नियमों से पालन कर रहा है, अपने घरों में बैठा हुआ है, प्रशासन की जब जिम्मेदारी है कि उनके घर में कम से कम राशन हम भेजें, बमुश्किल 10 किलो भेज पा रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। सरकार पेमेंट कर रही है 10 किलो का, गरीबों को आटा पहुंच रहा है 6 किलो 7 किलो 8 किलो। ये मध्य प्रदेश का नया घोटाला है, निर्धन निवाला घोटाला, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन? कार्रवाई निश्चित तौर पर, जो प्रशासन के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो कंपनी इसमें सप्लाई कर रही है, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वर्तमान में मैंने जिला प्रशासन में कलेक्टर कमिश्नर दोनों से बात की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने का इस विषय पर प्रयास कर रहा हूँ।